पौष पूर्णिमा के साथ ही संगम की रेती पर चल रहे माघ मेले की शुरुआत आज से हो गई। लोगों का कल्पवास शुरू हो गया। ये 5 फरवरी को माघी पूर्णिमा तक चलेगा। वहीं कुछ ऐसे श्रद्धालु हैं जिनका आगमन मकर संक्रांति पर होता है। आज पौष पूर्णिमा पर्व पर भीषण ठंड के बावजूद पुण्य लाभ अर्जित करने के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ संगम में जुटी रही। आज से अपन कल्पवास कर रहे हैं, आज से ही पूर्णिमा से आज सो अगले फरवरी तक रहेगा हमारा। एक टाइम का खाना रहेगा, एक टाइम का भोजन रहेगा। संगम की रेती पर स्नान के साथ ही जगह जगह चाय नाश्ता एवं भंडारा शुरू हो गया, जहां लोग स्नान के बाद प्रसाद भी ग्रहण कर रहे हैं। बड़ी संख्या में श्रद्धालु, स्नानार्थी और बड़ी संख्या में मजदूर मेला क्षेत्र में चल रहे ओम नमः शिवाय, ओल्ड जीटी रोड पर स्थित चरखी दादरी आश्रम हरियाणा और महावीर मार्ग पर लगे तपस्वी नगर में भंडारे का प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं। यह अन्न क्षेत्र माघी पूर्णिमा तक मेला क्षेत्र में दिन रात चलता रहेगा। पूर्णमासी है, पूस मास निकल चुका है, माह मतलब माह लग शुरू हो गया है। एक महीने का कल्पवास करेंगे, यहीं रहेंगे, एक महीना गंगा जी में स्नान करेंगे और अपने एक टाइम भोजन पानी करेंगे और लास्ट फरवरी 6 फरवरी तक रुकेंगे यहाँ पे। हमारा सवेरे से 4 बजे से उठना, उसके बाद गंगा मैया में स्नान करना, पूजा करना और एक समय खाना खाना शाम को। उल्लेखनीय है कि इसके बाद 14 और 15 जनवरी को मकर संक्रांति, 21 जनवरी को मौनी अमावस्या और 26 जनवरी को बसंत पंचमी तथा 5 फरवरी को माघी पूर्णिमा और 18 फरवरी को महाशिवरात्रि का स्नान होगा। इस बार मेला क्षेत्र 700 हेक्टेयर में बसाया गया है। 6 सेक्टर में लगे माघ मेला के हर सेक्टर में एक सेक्टर मजिस्ट्रेट के साथ एक डिप्टी SP की भी तैनाती की गई है। ड्रोन कैमरे से मेले की निगरानी हो रही है। PWD की ओर से आवागमन के लिए लगभग 150 किलोमीटर चकर प्लेट बिछाई गई है। आवागमन के लिए 5 पांटून ब्रिज भी बनाए गए हैं। संपूर्ण मेला क्षेत्र में शांति व सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस विभाग सुरक्षा के लिए करीब 2500 पुलिस फोर्स तैनात की गई है। माघ मेले में 14 थाने, 38 पुलिस चौकियां और 15 फायर स्टेशन बनाए गए हैं। देखिए, आज पौष पूर्णिमा का पहला बड़ा स्नान है, तो जो भी श्रद्धालु हैं, कल्पवासी हैं, उन सबको मैं हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर स्नान हो रहा है और बड़ी शांति के साथ श्रद्धालु लोग स्नान कर रहे हैं और बिजली की चाहे व्यवस्था हो, चाहे साफ सफाई की व्यवस्था हो, चेंजिंग रूम की व्यवस्था हो और आगे टॉयलेट्स और बाकी व्यवस्थाएं सब अच्छी व्यवस्थाएं हैं। और हम लोग चक्रमण में हैं और अभी मैं इस घाट में हूँ, कुछ टाइम बाद में नदी पार दूसरे घाटों में भी जाऊंगा और अगर कहीं पे अगर कुछ बात आती है तो हमारे अधिकारी लोग भी मुस्तैद हैं। तो और हेल्थ के लिए भी जो है मैंने देखा था कैंप्स और वहाँ पे कोविड वाले जो हेल्प डेस्क वाले लोग वहाँ पे लगे थे। तो हम पूरी मेहनत से भरकत से श्रद्धालुओं का जो यहाँ पर अनुभव हो उसको अच्छा बनाने में लगे हैं।